दोस्तों, आज मैं मेरा बाइक का फोम वॉशिंग करेंगे। तो फोम वॉशिंग के लिए क्या क्या ज़रूरी है वो सब पहले देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, ये है शैम्पू है बाइक के लिए। मैं ये ऑनलाइन परचेज किया हूँ, 260 रुपीस पड़ा है वाला। तो चले इसे खोल देते हैं पहले। इसे एक महीने नहीं तो दो टो ढक्कन आपको डालना पड़ता है। तो मैं इसमें डालूँगा, ये भी लोकल परचेज से, मैं लोकल मार्केट से परचेज़ किया हूँ इसको। मैं लोकल मार्केट से तकरीबन 250 रुपया इसका प्राइस है। वैसे ही देखिए, ये है पॉलिश, लिक्विड पॉलिश है। आप तो मैंने आप वॉशिंग करने के बाद, फोम वॉशिंग करने के बाद, पोच इसको अपने पूरा क्लियर करने के बाद इसे हम अप्लाई करेंगे। इसको वॉश होने के बाद, फोम वॉश होने के बाद इसे हम अप्लाई करेंगे। देखिए ये लिक्विड पॉलिश है, ये भी ऑनलाइन से परचेज किया हूँ, शिबा कंपनी का, 110 रुपीज़। मैं ये सब का लिंक अपना डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगा। तो हम लोग क्या करते हैं, हजर हम लोग क्या करते हैं, अब देखिए यहाँ पर डस्ट है, देखिए पूरा, देखिए डस्ट, देखिए। तो हम लोग क्या करते हैं, कपड़ा से इसे पोंछ देते हैं। कपड़ा से पोंछने से क्या, स्क्रैचेस होने का ज़्यादा संभावना रहता है। तो जैसे आप अब 10 दिन या 15 दिन जो भी गाड़ी चलाया, उसके बाद आप इसमें पानी डाल देना है। पानी डालने से जितना भी जो भी डस्ट है, सैंड पार्टिकल्स है, वो सब निकल जाएगा। पानी डालने के बाद ही आप पोंछने से अच्छे, नहीं तो देखिए जो भी आप देखिए डस्ट जितना है, आप मान लीजिए कपड़ा से पोंछ देंगे, तो कपड़ा से पोंछने से आपको स्क्रैचेस होने का ज़्यादा संभावना है। देखिए पूरा डस्ट है, तो इसलिए उसे कपड़ा से पोंछना नहीं, आपको पहले पानी डाल देना है। आप भले 10 दिन या 15 दिन जब भी करिए, पानी डाल दीजिए, जो भी सैंड पार्टिकल्स है वो सब निकल जाएगा। इसके बाद आप पोंछिए अच्छा। तो आज तो हम इसका फोम वॉश करेंगे। ये मैं दोस्तों, ये जो स्पॉन्ज है, इसी को लेके हम बाइक को वॉश करेंगे। वो 10 रुपया ऐसे मिलता है उसको, बाज़ार में मिलेगा आपको। ये जो स्कॉच ब्रेड है, इसका छोटा सा पीस काट के, जो गार्डन जो स्प्रेयर है, गार्डन में जो स्प्रे करने वाला, उसका नोजल को इसे हम लगाएंगे। देखिए ये जो गार्डन स्प्रे है, उसका जो नोजल है, देखिए इसी के अंदर अभी हम इंसर्ट करेंगे उसको। स्कॉच ब्रेड को लगाने से जो फोम है वो बबल्स ज़्यादा वो के बाहर आएगा और फैलाएगा भी फोम को, तो इसलिए स्कॉच ब्रेड को लगाना पड़ता है। अभी ये नोजल को इसके अंदर लगा दिया। देखिए एक्चुअली क्या, आपको गार्डन के लिए यूज़ करते हैं इसे, लेकिन हम लोग अपना फोम वॉश के लिए यूज़ करेंगे। तो अभी इसके अंदर जो पाइप है, देखिए अभी देखिए ये जो पाइप है, इसका ऊपर में दो टो होल करना पड़ेगा आपके पास सेफ्टी फिन से। करने से क्या होगा, जो फोम है बाहर निकलने के लिए वो हवा उसे प्रेशर देगा, क्योंकि इसमें तो एक्चुअली तो दवाई डालने के लिए यूज़ करता है एक्चुअली गार्डन में, लेकिन हम लोग तो फोम के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो फोम और दवाई का बहुत डिफरेंस है, तो इसलिए हवा दरकार पड़ता फोम को बाहर आने के लिए। या थोड़ा दो टो सेफ्टी पिन से होल करेंगे। देखिए दो टो होल मैं कर रहा हूँ। चलो अभी रेडी हो गया, अभी इसमें पानी भरेंगे। पानी आपको 1/3 डालने से अच्छा है, नियरली 600 ml, क्योंकि ये तो 2 लीटर का है, 600 ml डालने से अच्छा है। नहीं तो क्या, ज़्यादा पानी होने से वो गिर जाएगा, फोम तो बनेगा लेकिन वो स्टिक नहीं रहेगा पानी ज़्यादा होने से, पूरा सब नीचे गिर जाएगा, फ़ायदा नहीं। तो इसलिए पानी थोड़ा कम लेना ही अच्छा है।
अभी एक ढक्कन हम डालेंगे, जो बाइक शैम्पू जो है, एक ढक्कन, अभी एक ढक्कन हम लोग शैम्पू को डालेंगे उसमें। इसे अच्छे से लाएंगे पानी में डाल के, अब डाल के अच्छा से इसे हिलाएंगे हम लोग। देखिए लगा दिया, पहले से थोड़ा चलाएंगे करेंगे ताकि पूरा पानी और शैम्पू मिल सके अच्छा से। अभी इसे हम पंप करेंगे, देखिए जो स्पिंडल है पकड़ कर, आपको मालूम हो जाएगा अगर ज़्यादा टाइट हो गया मतलब बंद कर देना देखते है। हैं अभी अब इसको नाजिल को जो एडजस्ट करके, इसका नाजिल जो है ये ठीक से एडजस्ट नहीं हुआ, देखिए अभी इसे एडजस्ट करना पड़ेगा। देखिए अब उसे एडजस्ट करना है, अभी देखिए अभी ठीक है। देखिए लगता थोड़ा पानी ज़्यादा हो गया, चलेगा फिर भी थोड़ा हवा दे देंगे, हवा देके प्रेशर बनाएंगे इसका अंदर। ये देखिए उसको लॉक सिस्टम भी है, अब कंटिन्यू चला सकते हो, जो प्रेस करने अंदर करने से लॉक हो जाएगा, नहीं तो फिर जो ब्लैक वाला जो बटन है उसको बाहर निकलने से भी बाहर आ जाएगा, फिर लॉक ओपन हो जाएगा। देखिए इससे क्या, अंदर अंदर भी आप मार सकते हैं, जितना प्रेशर होगा उतना अंदर जाएगा और जो भी डस्ट भी अपना आप निकल जाएगा, मतलब वो प्रेशर से। In my mind, I can't get them out, no matter how hard I try. I need you and your heart next to mine. Yeah, I'm all about keeping you and I. When you're here, you spark chemical reactions. Your aura strikes like lightning. Got no words, I'm just drowning in attraction. चलिए अभी हम फोम पूरा ये कर दिया हूँ, बाइक में पूरा स्प्रे कर दिया हूँ फोम। अभी काले पानी से हम पोछेंगे, देखिए स्पॉन्ज to describe it. It's electric, can you feel it? You got the only touch that takes me high. It's electric, I'm up in my feelings. Got double vision cause of you tonight. It's electric. देखिए हम फोम वॉश अपना बाइक का कर चुके हैं, अभी पोंछ देते हैं जो भी रहा पानी। घर में जो पुराना बनियान कपड़ा जो रहते हैं वो थोड़ा नरम रहते हैं,
उससे पोंछने से अच्छा है। देखिए पुराना कपड़ा है, बनिए इतना नरम सॉफ्ट रहते हैं, तो इससे पोंछने से आपको अच्छा रहेगा। दोस्तों अभी इसे हम अप्लाई करेंगे। पॉलिश देखिए, शिबा कंपनी का ऑल इन वन लिक्विड पॉलिश, जिसे मैं ऑनलाइन में परचेस किया हूँ। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी भेज दूँगा, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप चाहे ऐसे खरीद कर सकते हैं, आप चाहने से खरीद कर सकते हैं। देखिए स्पॉन्ज इसके साथ दिया है, हम इसी से इसे अप्लाई करेंगे। देखिए स्टीम करो, देखिए ऐसा किया, ऐसा देखिए, इससे क्या होगा, आपको कुछ भी अगर गिरेगा पानी वाने जो भी तो चला जाएगा। देखिए ऐसे राउंड शेप में, देखिए आप बाहर जाएंगे अगर वाटर सर्विसिंग करना है तो आपको लाइन लगाना पड़ेगा, फिर टाइम देना पड़ेगा। हाँ घर में जब आप खाली रहेंगे तो कर देने से अच्छा है, गाड़ी में अच्छा रहेगा। देखिए मेरा 3 महीने से ज़्यादा हो चुका है मेरा बाइक खरीद करके, देखिए कैसा है, आप बोलिए कमेंट कीजिए अच्छा है कि या नहीं। राज का जो फोम वॉश कैसा है इसको पर आप कमेंट कीजिए। दोस्तों देखा होगा आप, ये था आज का वीडियो, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट करना मत भूलिए। अगर आप फोम वॉश के बारे में कुछ भी अगर डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बस सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।